हेलो बच्चों, वेलकम आप लोग का। हम लोग सीरीज चला रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स के सेमीकंडक्टर पार्ट का। इसमें आप लोगों ने अभी पढ़ा पहला इंट्रोडक्शन ऑफ पीएन जंक्शन, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, फिर पीएन जंक्शन। और आज हम लोग पीएन जंक्शन के जो डिवाइसेस हैं, स्पेशल पर्पस डिवाइसेस, वो हम लोग पढ़ेंगे। जनरली चार होते हैं। इससे क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो बेसिक इंट्रोडक्शन पूछा जाता है, थ्योरी क्वेश्चन होती है। चार ऑप्शन होंगे, उसमें पूछा जाएगा कोई कोई प्रॉपर्टीज। तो अगर आप इसका हल्का फुल्का बेसिक आइडिया अपने दिमाग में रख ले तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मेडिकल में इसके चांसेस ज्यादा होते हैं, थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, कोई न्यूमेरिकल नहीं है, बहुत इजी है। तो आई एम श्योर आज मैं डिस्कस करूंगा तो आप आपको समझ में आएगा। दूसरी बात, अगर इससे पहले वाले प्रीवियस आपने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं आपको भेज दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, वहां से आप उसको पा सकते हैं। आप लोग याद रखो बेटा, हमने अपने YouTube चैनल पे ढेर सारे प्लेलिस्ट बना रखे हैं। उसमें वीडियोस आपको ऑलमोस्ट सारे चैप्टर के मिल जाएंगे, राइट फ्रॉम सम बेसिक मैथमेटिक्स इन फिजिक्स से लेके यूनिट्स मेजरमेंट, काइनेमेटिक्स, प्रोजेक्टाइल का एक मास्टर वीडियो है, एंड देन लॉज ऑफ मोशन, देन वर्क एनर्जी एंड पावर, देन रोटेशन, ग्रेविटेशनल फ्लूइड, और उसके बाद ऑसिलेशन वेव्स, सारे टॉपिक आपको वहां पे मिल जाएंगे। तो आई होप आप लोग उसका बेनिफिट ले रहे होंगे। सिमिलरली 12वीं क्लास, 12th क्लास के कुछ चैप्टर्स हैं, कुछ चैप्टर क्या, सारे चैप्टर्स हमने रेडी कर लिए हैं। अब इसके बाद हम लोग जेई एडवांस का सीरीज चलाने वाले हैं, जिसमें हम न्यूमेरिकल सीरीज चलाएंगे। न्यूमेरिकल सीरीज के लिए आइडियली क्या होगा, एक सेट ऑफ क्वेश्चंस होंगे, उस सेट ऑफ क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास में। कोशिश करेंगे कि एक टॉपिक में पांच से दस क्वेश्चन जो भी कलाम अकॉर्डिंगली बनेगा, तो मैं पांच से दस क्वेश्चन एक टॉपिक में पिक करूंगा और उस एक टॉपिक के पांच से दस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। एंड डिस्कशन विल बी इन अ बेस्ट पॉसिबल वे सो दैट यू कैन प्रिपेयर होल चैप्टर इन वन गो, और ये जल्दी चलेगा। ये एक्सक्लूसिवली फॉर दोज हु आर एस्पायरिंग फॉर गुड रैंक, जो अच्छी रैंक चाहते हैं, जो जेई एडवांस में रैंक चाहते हैं, जो जेई मेंस में टॉप रैंक चाहते हैं, या जो नीट में चाहते हैं कि उनके फिजिक्स में 180 में से 180 आए। तो बेटा आप लोगों को मुझे लगता है कि आपको पसंद आएगा, वो फीडबैक से जरूर बताइएगा। अब ये चैनल हमारा आप लोग का एक पब्लिक, एक परिवार की तरह है, तो जितने बच्चे बेनिफिट उठाएंगे उतना ही मुझे खुशी होगी। थैंक यू बेटे इस बात के लिए। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग सेमीकंडक्टर स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड। तीन चार टाइप का डायोड है, जेनर डायोड, फोटो डायोड, एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड एंड सोलर सेल। एक साथ लिखने का पर्पस है, टाइम बचेगा और हम कंपेयर कर पाएंगे, कंफ्यूजन होता है। तो जेनर डायोड जेड से स्टार्ट होता है, जेड शेप का होता है, थोड़ा याद रखना। ये रिवर्स बायस में होता है, ऐसे आप लोग याद कर लो चाहो तो। फोटो डायोड रिवर्स बायस, दो रिवर्स बायस और दो फॉरवर्ड बायस। ये इसकी कोई बायसिंग नहीं, वैसे हम सप्लाई नहीं देते, इसे सप्लाई लेते हैं, लेकिन आप फॉरवर्ड बायस याद कर सकते हो। तो जेनर डायोड, फोटो डायोड, ये दोनों रिवर्स बायस, एलईडी फॉरवर्ड बायस, सोलर सेल फॉरवर्ड बायस कह सकते हो। तो जेनर डायोड क्या होता है, आप लोग को पता है कि हमारी जो बायसिंग, अगर हम फॉरवर्ड बायसिंग करें तो करंट ऐसे नी वोल्टेज से ऐसे होता है, यहां पर नी वोल्टेज होता है, यहां तक ओम्स लॉ को फॉलो नहीं किया जाता और उसके बाद ओम्स लॉ को फॉलो करने लगता है। ब्रेकडाउन वोल्टेज अगर रिवर्स बायसिंग करें हम, तो ब्रेकडाउन हो जाता है और बहुत तेजी से करंट फ्लो करने लगता है रिवर्स डायरेक्शन में। हालांकि फॉरवर्ड बायसिंग का जो करंट होता है वो मिली एम्पियर के रेंज का होता है, और रिवर्स बायसिंग का जो करंट होता है वो माइक्रो एम्पियर के रेंज का होता है। तो ये हम एक फ्लक्चुएटिंग डीसी, देखो अगर आपको विजिबल नहीं होगा तो आई ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं आपको पढ़ के सुना दूं तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। आप इसे हाई रेजोल्यूशन पे, एचडी पे करके हाई रेजोल्यूशन पे देखना, क्लियर दिखेगा। एक इनपुट रेसिस्टेंस है, फ्लक्चुएटिंग डीसी सप्लाई दिया मैंने और आउटपुट मुझे लेना है। मान लो घर में आपने डीसी सप्लाई देके कोई इंस्ट्रूमेंट लगा रखा है, लेकिन वो इंस्ट्रूमेंट इतना सेंसिटिव है कि अगर वो फूक गया, उसके अक्रॉस ज्यादा वोल्टेज आ गया तो आपको डेंजर हो जाएगा, तो आपके नुकसान हो जाएगा काफी हद तक। नुकसान से बचने के लिए उसके साथ आप जेनर डायोड लगा दो। पीएन जंक्शन डायोड का एक स्पेशल टाइप है, पीएन जंक्शन ही है इनफैक्ट, रिवर्स बायसिंग में लगा दो, जहां से आप प्लस दे रहे हो उस पर एन कैप लगाओ, जहां माइनस दे रहे हो उससे आप पी कैप लगाओ।
अब मान लो ये बर्दाश्त कर सकता है 50 वोल्ट, तो 50 से थोड़ा कम यानी 49 या 50 के आसपास ही, 50 तक बर्दाश्त कर सकता है, कम में तो सेफ रहता है इंस्ट्रूमेंट, कोई इंस्ट्रूमेंट 50 वोल्ट तक बर्दाश्त कर सकता है, तो अगर 49-48 देता हूं तो सेफ रहेगा। तो ये जेनर डायोड का ऐसा जेनर डायोड सेलेक्ट करो जो 49 वोल्ट तक हो, यानी जैसे 49 से ज्यादा होगा ये ब्रेक डाउन कर जाएगा और मैक्सिमम करंट यहां से पास कर जाएगा और ये सेफ रहेगा। समझ में आया आपको? यानी अगर फ्लक्चुएटिंग आउटपुट जो है आपको, जो आप लोड रेसिस्टेंस लगाए हो, जो इंस्ट्रूमेंट लगाए हो, उसका जो भी वोल्टेज आपको चाहिए, मान लो एक अपर लिमिट है, उससे थोड़ा कम इसको, कम लिमिट का ये वोल्टेज लगा दीजिए कि जिस पे ये ब्रेक डाउन कर जाए, मतलब एक ऐसा जेनर ब्रेक डाउन डायोड लेके आए जो एक पर्टिकुलर वैल्यू पे ब्रेक डाउन कर जाए, उसको यहां लगा दिया, जैसे उस लिमिट से ज्यादा वोल्टेज इसके क्रॉस होगा ये ब्रेक डाउन कर जाएगा और पूरा करंट ऐसे सडनली इसके थ्रू फ्लो कर जाएगा और ये आउटपुट सेफ रहेगा। कुछ पॉइंट्स लिखा मैंने, मस्ट बीन रिवर्स बायस्ड, जेनर डायोड मस्ट हैव वोल्टेज ग्रेटर देन ब्रेकडाउन वोल्टेज, ब्रेकडाउन वोल्टेज से, इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज से मस्ट हैव वोल्टेज ग्रेटर देन ब्रेकडाउन वोल्टेज, हां उतने पे, ग्रेटर देन ब्रेकडाउन वोल्टेज पे ये ब्रेक करेगा। इट इज यूज्ड इन सर्किट हुज वेयर द करंट इज लेस देन द मैक्सिमम जेनर करंट, यानी मैक्सिमम जेनर करंट से थोड़ा कम ही रखो, क्योंकि उतना करंट पास होते ही ये ब्रेकडाउन कर जाएगा। जो मैंने बताया जेनर वोल्टेज का रेंज है 2.5 वोल्ट 4 वोल्ट से 200 वोल्ट, इतने रेंज के आते हैं ब्रेकडाउन के। पावर रेटिंग, पावर होता है करंट इनटू वोल्टेज VI, तो वोल्टेज रेटिंग इनटू मैक्सिमम करंट, तो 150 मिली वॉट से लेके 50 मिली वॉट के रेंज का ये जेनर ब्रेकडाउन, जेनर डायोड आता है। अब आ जाते हैं फोटो डायोड। फोटो डायोड आज की डेट में बड़े काम का, ये तो उतना काम का नहीं कह सकते हो, बट फोटो डायोड बहुत ज्यादा रेवोल्यूशन है। आपने सुना होगा कि आजकल घरों में ऐसे स्विचेस आ रहे हैं कि अगर कोई नहीं है तो लाइट बंद हो जाती है। आपने देखा होगा कि आप टैप पानी नीचे, हाथ रखते हो टैप के नीचे पानी आने लगता, हाथ हटते ही पानी बंद हो जाता है। ऐसे कई आप सामने आ गए हो तो कोई चीज आपको स्कैन कर ले रही है, आप अपना थंब लगा रहे हो कोई चीज आपको स्कैन कर ले रही है, तो ये सारी चीजें बेसिकली यहां इसमें फोटो डायोड का काफी रोल है। फोटो जब भी आए तो लाइट समझो, लाइट दैट इज एच न्यू, लाइट एनर्जी ऑफ एच न्यू, फोटो इसका मतलब हुआ। अब एक सुटेबल एनर्जी को हम यहां पे भेजते हैं, पीएन जंक्शन है, रिवर्स बायसिंग है, एनर्जी जंक्शन पे जब बढ़ती है तो आपको जंक्शन में पता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, यहां मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, जंक्शन पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, यहां पे मेजोरिटी चार्ज कैरियर है, तो यहां पे बेसिकली इससे बॉन्ड ब्रेक होते हैं और बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से जो चार्ज कैरियर है वो मूव करते हैं और एक लिमिट के बाद रिवर्स वोल्टेज करंट, अब इसको हम अगर बढ़ाते जाएं तो रिवर्स करंट फ्लो करने लगता है बहुत तेजी से। उसी करंट को हम सिग्नल की तरह यूज करते हैं। क्या करते हैं बेटा? उसी करंट को हम सिग्नल की तरह यूज करते हैं। इस पे जो लाइट एनर्जी हम दिखाते हैं वो पड़ना चाहिए इसके जंक्शन पे, ये उसका सिंबल होता है। थोड़ी सी इसकी बातें कर लें, इट इज ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इन विच करंट कैरियर्स आर जनरेटेड बाय फोटॉन्स थ्रू फोटो एक्साइटेशन, यानी फोटो फोटोन एनर्जी जब देते हैं एच न्यू जो पड़ता है तो बॉन्ड को ब्रेक कर देता है, वहां से करंट कैरियर जनरेट होते हैं। बहुत सिंपल है। इन फोटो डिटेक्शन यूज होता है ऑप्टिकल सिग्नल, इन डीमॉड्यूलेशन ऑफ ऑप्टिकल सिग्नल, लाइट ऑपरेटेड स्विचेस जैसे मैंने बताया। तो ये हो जाता है फोटो डायोड। एक बार फिर से रिवाइज कर लें, जेनर डायोड किस लिए होता है? ब्रेक डाउन से बचाने के लिए, हैवी या महंगी एक्सपेंसिव सर्किट को बचाने के लिए जो डीसी में ऑपरेट कर रही है डायरेक्ट करंट में, याद रखना कई चीजें डीसी में ऑपरेट करती हैं, तो फ्लक्चुएटिंग के साइड में इसको रिवर्स बायस में लगा दिया, एक लिमिट के बाद अगर करंट बढ़ेगा तो ये सारा करंट अपने थ्रू पास करा देगा क्योंकि ये ब्रेक डाउन पे आ जाएगा। फोटो डायोड का काम क्या होता है? एनर्जी हम डिप्लीशन रीजन पे डालते हैं, वहां से बॉन्ड ब्रेक होते हैं, बॉन्ड ब्रेक होने से करंट कैरियर्स जनरेट होते हैं और करंट का रिवर्स डायरेक्शन में बहुत काफी तेजी से फ्लो होने लगता है। हालांकि ये इंटेंसिटी पे भी डिपेंड करता है, ज्यादा इंटेंस होगा तो ज्यादा करंट जनरेट होगा, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल आई, याद करो आप लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में देखे थे, तो ये कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट वहीं से लिया गया है। अब आ जाते हैं एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड। अब लाइट एमिटिंग डायोड का इतना यूज है घरों में कि आप सोच नहीं सकते। एक लाइट एमिटिंग डायोड बेसिकली जरा सा होता है, आपके घर के टीवी के नीचे लाल रंग का, ग्रीन रंग का कलर का होता है,
आपके सेट टॉप बॉक्स में जो ब्लू रेड एंड इस टाइप से, ये सारे एलईडी के एग्जांपल्स हैं। और आपको पता है, हैरानी होगी कि एलईडी बेसिकली एनर्जी निकलने के प्रोसेस से आती है। कलर्स जो एनर्जी निकलती है, जब एनर्जी जनरेट होती है, मैं बताता हूं अभी कैसे जनरेट होती है। एनर्जी जब जनरेट होती है तो सर्टेन एलिमेंट्स को अगर हम यूज करें, नॉट सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, सर्टेन एलिमेंट को अगर हम यूज करें तो उससे जो एनर्जी जनरेट होती है वो विजिबल रेंज में आती है और विजिबल रेंज के डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को देती है। अब आप सोचो, हर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के जो रिकॉम्बिनेशन हो रहा है होल और इलेक्ट्रॉन का, वहां से जो रिकॉम्बिनेशन से इलेक्ट्रॉन लोअर स्टेट में आता है, इसमें हाई स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है, तो जो एनर्जी रिलीज होती है वही हमें लाइट के फॉर्म में दिखता है। अब आप सोचो, एक साथ में लाखों इलेक्ट्रॉन्स रिकम्बाइन कर रहे हैं और ये कई साल तक चलता है। जरा इमेजिन करो, एक सेकंड में लाखों इलेक्ट्रॉन्स रिकम्बाइन कर रहे हैं होल के साथ। बेसिकली इसका प्रोसेस पहले समझ लो, फिर और बताता हूं, काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसमें। ये बहुत पतला लेयर हम रखते हैं, जहां से इसके ऊपर ग्लास का एक सील्ड होता है, ग्लास का एक पैक होता है, जो तुम देखते हो, जो टच करते हो ग्लास का, दिखते हो एक पतला सा लेयर होता है। अब यहां पे हमने अगर फॉरवर्ड बायसिंग में लगाई, तो फॉरवर्ड बायसिंग में वैसे ही आपको पता है डिप्लीशन रीजन कम होता है, कम हो जाता है फॉरवर्ड बायसिंग में। आपको पता है अगर ये डिप्लीशन रीजन है और ये पी टाइप है, ये एन टाइप है, पी टाइप में ये होल होते हैं, यहां इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर इसको मैं प्लस दूं, इसको माइनस दूं, तो ये डिप्लीशन रीजन को कम करता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। अब उस प्रोसेस में अगर लिमिट, अब लोग अगर वोल्टेज इसके बैरियर वोल्टेज से ज्यादा लगा दे तो क्रॉस करने लगता है, चार्ज कैरियर मूव करने लगते हैं। अब जैसे होल जाएगा, एन साइड इलेक्ट्रॉन आएगा पी साइड, इस प्रोसेस में क्या होगा कि यहां पे रिकॉम्बिनेशन होंगे। अब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बढ़ेगा, तो एक लिमिट के बाद जब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बढ़ने लगेगा तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर भी रिकम्बाइन होने लगेगा उसका इलेक्ट्रॉन होल के साथ। और उस प्रोसेस में जब इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन होके होल में मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लूज होती है, वो ग्राउंड स्टेट में जाता है। और जब एनर्जी लूज होती है, जो रिलीज और जो एनर्जी लूज होगी, एनर्जी कंजर्व होता है, एचन्यू के फॉर्म में रिलीज होगी, वही एचन्यू हमें लाइट के फॉर्म में दिखता है। तो ये हमने रेड येलो ग्रीन ब्लू लिखा है, ऐसे कलर का आई है, ये सिंबल है। जब एनर्जी, लाइट एनर्जी जो हम निकल रही होती है वो NHc/λ, ये एनर्जी गैप के बराबर होनी चाहिए तभी निकल पाएगी। एनर्जी गैप जो बैरियर का होता है, लैम्डा जो होती है HcNRG, ये हैवली डोप पीएन जंक्शन डायोड होता है। जितना ज्यादा डोप्ड होगा उतना ज्यादा रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होगा। अंडर फॉरवर्ड बायस एमिट्स स्पॉन्टेनियस रेडिएशन, जर्मेनियम सिलिकॉन नहीं लेते क्योंकि ये थर्मल एनर्जी जनरेट, थोड़ा गर्म हो जाता है। गैलियम आर्सेनाइड, इंडियम फॉस्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड विजिबल लाइट देता है। गैलियम आर्सेनाइड लेते हैं तो इंफ्रारेड रेडिएशन होता है, गैलियम फॉस्फाइड लेते हैं रेड और ग्रीन निकल सकता है, गैलियम आर्सेनिक फॉस्फाइड लेते हैं तो रेड येलो या येलो लाइट निकलता है। रिवर्स बायस में ये नहीं यूज होता, वहां पे ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो अब लाइट एमिटिंग डायोड आपने देख लिया, कई कई साल चलता है और इसकी वजह होती है रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद होल। अब रिकॉम्बिनेशन की वजह से एनर्जी रिलीज होती है। अब सोचो एनर्जी एक साथ कितनी रिलीज हो रही होगी तब आपको कलर दिख रहा है, यानी मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन हर सेकंड कंबाइन कर रहे होंगे और ये कई सालों तक चलता है। तो हर सेकंड अगर रिलीज हो रहे हैं तो हर घंटे सोचो, हर एक दिन में सोचो, हर एक महीने में सोचो, और ये 2-3 साल भी चल सकते हैं, 4 लगातार ऑन रखो तब भी। और ये जब लाइट देते हो, कनेक्ट करते हो, तभी ये प्रोसेस होता है। और ये कई प्रोसेस कनेक्शन के थोड़ी देर तक चलता रहता है, इसलिए अगर आप लाइट स्विच ऑफ बंद कर, स्विच ऑफ भी कर दो तो आपको दिखता रहता है थोड़ी देर तक एलईडी का जलना, लाइट रहती है वो। ये जो मैं जिस लाइट में हूं वो भी एलईडी ही है। अब इसमें काफी इन्वेंशन हो गया, हम लोग तो ओल्ड फॉर्म पढ़ रहे हैं। अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पढ़ोगे, अगर बीट आप मैथ्स ग्रुप से होगे तो ये आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा। आ जाते हैं सोलर सेल। सोलर सेल भी बड़ा रेवोल्यूशन निकाला आज के टाइम में, एक बड़ा रेवोल्यूशन है आज की डेट में। अभी हाल में ही पीएम साहब ने एमपी में, मध्य प्रदेश में, एक एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट उन्होंने इनॉग्रेट किया। आप हर जगह लग रहा, छतों पर देख सकते हो। तो ये ऐसे फिन्स होते हैं उठे हुए, ऐसे
का होते हैं और ये जनरली ब्लैक कलर के बनाए जाते हैं जिससे कि सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करे, जितना गर्मी आएगा उतना बेटर हो। पी लेयर काफी पतला होता है, एन लेयर बड़ा। यहां पे भी ग्लास रखा जाता है और ग्लास ऐसा होता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज करे, मतलब गर्म हो, एनर्जी को रिलीज कम करे, जैसे कि थोड़ा कम धूप हो तो काम चल जाए, हल्का फुल्का बादल हो बट लाइट हो, रोशनी हो, उससे ये काम चल जाता है। तो ये बड़ा सेंसिटिव बनाया गया है, हालांकि थोड़ा बल्की होता है, ज्यादा पावर अगर चाहिए हो, बट इट्स वेरी गुड। आप लोगों ने इसके प्रोजेक्ट भी बनाए होंगे। तो यहां पे जब लाइट पड़ती है तो अगेन लाइट की थिक लेयर लेने पे, थिन लेयर लेने पे ये यहां तक आती है। अब इस जंक्शन पे अगर आ गई तो जरा देखो जंक्शन पे क्या होता है। जंक्शन नॉर्मली ऐसा होता है, यहां पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर अंदर पी और एन। इस जंक्शन पे अगर एच न्यू आएगा और एच न्यू आके उसके बैरियर एनर्जी से ज्यादा हो, जो एक बैरियर बन जाता है ना, एनर्जी गैप जिसे कहते हैं, एनर्जी गैप होता है सेमीकंडक्टर का 0.1 से, मैंने बताया था 1.1 तक, और ये उसके बाद कंडक्टर तो मिला रहता है, उसमें कोई एनर्जी गैप नहीं होता, इंसुलेटर में ज्यादा होता है। तो अगर लाइट एनर्जी एनर्जी गैप से ज्यादा हो तो यहां आके वो बॉन्ड तोड़ती है। बॉन्ड तोड़ते ही जैसे मान लो एक इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ और एक प्लस जनरेट हुआ, एक बॉन्ड टूटा। अब ये जो प्लस वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड की, समझ लो प्लस वाला जो है, बॉन्ड टूटा, प्लस वाला इलेक्ट्रिक फील्ड में जाएगा तो पी की तरफ प्लस हो जाएगा, और माइनस वाला इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट मूव करता है, यहां आ जाएगा। तो यहां प्लस जनरेट होगा या माइनस जनरेट होगा, जितने बॉन्ड टूटेंगे यहां प्लस या माइनस, यहां प्लस या माइनस, यहां प्लस या माइनस, यहां प्लस या माइनस, यहां प्लस या माइनस। तो एक तरह से ये स्टोरेज का काम करता है। इसको अगर हम बैटरी में चाहें तो कुछ मशीन वसीन लगा के बैटरी में स्टोर कर सकते हैं, हम बैटरी में स्टोर कर सकते हैं, फिर बैटरी में एनर्जी आ जाएगी और रात में हम उसको लाइट के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। तो सोलर सेल का काम यही है कि वो डिप्लीशन रीजन में जाके बॉन्ड को ब्रेक करे, अलग करे प्लस माइनस को, प्लस माइनस सेपरेट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस फील्ड, जो बैरियर फील्ड है उसकी वजह से, ये जो बैरियर फील्ड है होल चला जाता है प्लस की तरफ, एक्सटर्नल हमने कोई कनेक्शन नहीं दिया बैटरी वैटरी का, माइनस चला जाता है एन की तरफ से, तो दोनों टर्मिनल पे चार्ज का एक्युमुलेशन हो जाता है। एंड एक्युमुलेशन ऑफ चार्ज अगर कलेक्ट कर लेते हैं तो हमारे लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो जाती है, और जो हम किसी सर्किट में जोड़ते हैं तो करंट फ्लो कर जाता है, बल्ब में लगाते हैं तो बल्ब ऑन हो जाता है, या कोई और काम सोलर बैटरीज में यूज होता, आर्टिफिशियल सैटेलाइट जिसको एनर्जी सोलर से ही मिलती है, कुकिंग फूड, पंपिंग वाटर यूज्ड इन कैलकुलेटर, रिस्ट वॉचेस, फोटोग्राफी, ट्रैफिक सिग्नल्स, और भी बहुत सारे यूजेस होते हैं। एक बार फिर से एलईडी में बेसिकली हम फॉरवर्ड बायस में रिकॉम्बिनेशन कराते रहते हैं उस बैरियर पे, फॉरवर्ड बायसिंग पे डिप्लीशन रीजन कम हो जाता है तो मूवमेंट शुरू हो जाता है होल का एन साइड, एन का पी साइड में, उससे रिकॉम्बिनेशन होता है, माइनॉरिटी चार्ज बढ़ जाते हैं। अब माइनॉरिटी चार्ज इंटरैक्ट करने लगते हैं मेजोरिटी चार्ज के साथ, माइनॉरिटी चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन अगर बाई द वे होल के साथ रिकम्बाइन करती है तो एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉन की ग्राउंड स्टेट में आ जाती है, और वो जो एनर्जी रिलीज होती है वो हमें लाइट के फॉर्म में दिखती है इन सर्टेन केसेस विथ सर्टेन सेमीकंडक्टर एलिमेंट्स। अब सोलर सेल में हम लोग लाइट से बॉन्ड ब्रेक करते हैं डिप्लीशन रीजन के, वो बॉन्ड ब्रेक, अब डिप्लीशन रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो एन से पी की तरफ होता है, देखो, बिकॉज एन साइड वाला प्लस बन जाता है, पी साइड वाला माइनस, से माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, बाकी होल और इलेक्ट्रॉन तो रिकम्बाइन कर गए हैं, होल जाएगा पी साइड, प्लस चार्ज जो टूटेगा बॉन्ड वो पी की तरफ जाएगा, माइनस एन की तरफ जाएगा, चार्ज का एक्युमुलेशन होगा, उसको हम अगर बैटरी से कनेक्ट कर दें तो उस एनर्जी को हम स्टोर कर सकते हैं, दैट कैन बी यूज्ड इन जनरेटिंग पावर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी और इन कुकिंग फूड और लाइक दैट। आई होप ये बहुत ही वन गो में आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही छोटा सा पार्ट था। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर, पीएनपी जंक्शन, आई होप वो भी आपको समझ में आएगा। ये पूरा थ्योरी था, एक बार इससे, एक बार अपनी बुक से पढ़ लीजिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आंसर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।